नमस्कार, मैं हूं यशी शर्मा और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज़। गदरपुर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सियाचिन में 38 साल पहले शहीद हुए चंद्रशेखर हरबोला के परिजन से मुलाकात करने उनके डहरिया स्थित निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने वीरांगना शांति देवी को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार सैनिकों और शहीदों के सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। प्रदेश में दायित्वधारी दर्जाधारी राज्य मंत्री बनाने की भी चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। ऐसे में जीते हुए विधायकों और उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने विधानसभा चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई, उन्हें दर्जाधारी मुख्यमंत्री के पद से नवाजा जा सकता है। देश के हमारे जो सैनिक हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनी हुई सरकारों ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है। इसी कड़ी में कल हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे और मैं यहाँ पड़ोस का विधायक हूँ, इस नाते मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के आके इस शहीद परिवार पर संवेदना दी, उनका बच्चों का परिवार का हौसला बढ़ाने का काम किया जी। और यह भी तय है कि जो शहीद के नाम पे उनके नाम को जिंदा रखने के लिए लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी उनका नाम याद करें, इस नाते विभिन्न योजनाओं का, सड़कों का, पार्कों का उनके नाम रखा जाए, ये क्षेत्रवासियों की भी मांग है, संस्थाओं ने मांग की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी शहीद के सम्मान में इन सब चीज़ों की बहुत जल्दी घोषणा भी करेंगे।